आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सतना में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सिद्धार्थ नालंदा ने बताया कि 28 जून को सहारनपुर के देवबंद में कुछ अज्ञात हमलावरों ने चंद्रशेखर आजाद पर सुनियोजित तरीके से हमला कर दिया, जो कि बेहद निंदनीय है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद द्वारा पूर्व में कई बार अपनी सुरक्षा और जान के खतरे के संबंध में सहारनपुर SSP और DGP पुलिस लखनऊ तथा मुख्यमंत्री को रजिस्टर डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया था, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को जानबूझकर गंभीरता से नहीं लिया, जो कि निराशाजनक है। ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और रासुका लगाए जाने की मांग की है। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन एवं आजाद समाज पार्टी जिला इकाई सतना के तत्वाधान में, जैसा कि हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सुनील बरफिया जी एवं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सुनील अस्ते जी ने हमें आदेशित किया था कि कल दिनांक 28 जून 2023 को भीम आर्मी प्रमुख एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर दिल्ली से सहारनपुर जाते वक्त देवबंद में कुछ कायर लोगों ने ऊपर जानलेवा फायरिंग कर दी, जिससे चंद्रशेखर आजाद भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस पर उन्हें जिला अस्पताल सहारनपुर में भर्ती कराया गया है। जिस मुद्दे से, चूंकि चंद्रशेखर आजाद भाई बहुजनों के उभरते हुए लीडर है एवं जो है बहुजनों पर हो रहे हर अन्याय अत्याचार पर सर्वप्रथम न्याय की आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो जैसा कि सर्वविदित है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो है हत्या का जो प्रयास हुआ है योगी आदित्यनाथ की ढुलमुल प्रशासन व्यवस्था को दर्शाता है, जिस पर हमारी भीम आर्मी की ये मांग है कि जल्द से जल्द बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला करने वाले तमाम आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, और इसके साथ ही जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जिस प्रकार लगातार उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा, लगातार जो है DGP को पत्र लिखा और लखनऊ के IG को लिखा, इसके बावजूद भी आज दिनांक तक उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई है, तो जिस पर भीम आर्मी की यह मांग है कि जल्द से जल्द यदि आम लोगों को, जैसे कि कुमार विश्वास हो गए, बागेश्वर धाम कथावाचक हो गए और ऐसे आम लोगों को यदि Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है, तो जो हमारे भीम आर्मी के प्रमुख बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो बहुजनों की लाखों लाखों लोगों की आस्था हैं, जिन पर लाखों लोग आस्था रखते हैं एवं बहुजनों के उगता हुआ सितारा है, तो यदि उन पर आ जाती है तो उन्हें भी प्रशासन शासन से ये मांग है, यदि वास्तविकता में योगी आदित्यनाथ, योगी और मोदी सरकार यदि यह दावा करती है कि वह दलित हितैषी है, तो जल्द से जल्द बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जेट पर सिक्योरिटी मुहैया कराए, और जिन लोगों ने भी ऐसा कराना हरकत किया उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर तत्काल उन सभी के ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए। क्रांतिकारी जय भीम। मैं सिद्धार्थ नालंदा, प्रदेश सचिव भीम आर्मी। हमारे साथ जो है सतना जिला अध्यक्ष सुजीत चौधरी जी, हमारे साथ हमारे भीम आर्मी से विजय वर्मा जी, एडवोकेट प्रकाश वर्मा जी, सुरेंद्र भारती जी और राहुल राज रावण जी और अत्तु भाईजान, जिला अध्यक्ष सुजीत चौधरी जी और समस्त साथी उपस्थित है। आज हम लोग मांग कर रहे हैं कल इससे भी यदि 24 घंटे के अंदर 13 घंटा का अल्टीमेटम बड़े भाई विनरतन सिंह जी ने दिया है, यदि जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भीम आर्मी की, यदि 24 घंटे के अंदर Z+ सिक्योरिटी नहीं मिलती है, आरोपियों गिरफ्तारी नहीं होती है, तो कल फिर सतना में जो है तो इससे बड़ी संख्या में विशाल जनाक्रोश प्रदर्शन होगा।